हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, और जैसा कि मैंने आपको बताया, मम्मी को दिखाने के लिए ले जाना है ब्लड टेस्ट, भूखे पेट। तो सुबह जल्दी जा रहे हैं मैं और मम्मी। मैं नहा लिया हूँ, बस निकल रहे। तो गाइस, मम्मी अपना इंतजार कर रही है और आखिरकार गाड़ी लेके ही जा रहे हैं हम लोग। ये थैले का बोल रहे हैं। तो गाइस, मम्मी भी आ गई है और अब चलते हैं। मम्मी को मैंने कहा, मैंने आज बाल धोए हैं तो मेरे को जुखाम लग जाएगा, तो मम्मी ने कहा वाह फिर गाड़ी लेके चल। खुद के लिए नहीं है, मेरे लिए सब कुछ है। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं और अभी जा रहे हैं लेबोरेटरी। वहां जाके मम्मी का ब्लड सैंपल दे के यहाँ से वापस निकलेंगे, फिर मैं और भाई आएंगे वापस काम करने के लिए। तो गाइज, हम लोग निकल रहे हैं वापस। अभी अपनी दुकान पर रुके थे बड़े भाई साहब के पास में, मम्मी ने सुबह सुबह उनसे थोड़ी बातें कर ली, और अब बस निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइज, रेलवे फाटक तो हमारे लिए फिर भी लगी हुई है। आज मम्मी साथ में है, फिर भी रेलवे फाटक लगी है। तो गाइज, घर पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी घर के अंदर जाना अपने बस में नहीं है, क्योंकि हिमांश बाबू छिछी कर रहे हैं और उसको लिए बगैर घर के अंदर कदम भी नहीं रख सकते हैं। तो गाइज, देखिए इनको, इधर देखो, इधर आ गए। अब जा सकते हैं अपन अंदर। गाड़ी को चाबी चिपका कर लेगा बिट्टा, नहीं चलाते अपने बड़ा होकर टर्न में चलाएगा। तो गाइज यार, यहाँ पे देखो एक मस्त हैरियर गाड़ी खड़ी है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, एक दो ब्लॉग पहले, कितनी धूल मिट्टी थी। आज इसको एकदम साफ सुथरा करके टन टनाट जैसे आज ही एजेंसी से निकाल के लाया हूँ। मस्त लग रही है भाई, टॉप मॉडल विथ एलॉय व्हील। तो गाइज, अभी भाई लेके आए हैं पार्सल। मैंने सोचा था बहुत बड़ा पार्सल लेने जा रहे हैं, तो मैं इनके साथ में जाऊँ। इन्होंने कहा नहीं, मैं अकेले ले आऊँगा। मैं चिंता में था कि कैसे लेके आएंगे, अब पता चला ये इतना सा पार्सल आए। इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हो आप, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं अपनी जिंदगी। तो गाइज, अब हम लोग जो कैमरे लगा रहे हैं उसमें आज ये वाले कनेक्टर यूज करेंगे। ये एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्लस मैं अभी तक मेरी कैमरे की लाइफ में फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, प्लस इसके अंदर क्लियरिटी इतनी ज़्यादा आती है, और जो इसकी वायरिंग होगी वो आईपी कैमरे से एचडी कैमरे में होगी। तो फ्यूचर में कभी भी आप इस वायरिंग के ऊपर आईपी कैमरे इंस्टॉल करवा सकते हो। वायरिंग चेंज करवाने का आपको बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा। इस कनेक्टर को लगाने के बाद आप ऐसे जंगल से छुटकारा पा सकते हैं, और पा सकते हैं इतनी शानदार सिटी। क्या फर्क पड़ता है, अपन गलत काम थोड़ी कर रहे हैं यार। गलत नहीं कर रहे तो तक झुकना नहीं। तो भाई यार, अभी टाइम हो रहा है 4:04 बज रहे हैं अभी, और मैं यहाँ पर काम करके इतना थक गया हूँ, मेरा अब काम नहीं करने का मन नहीं कर रहा। इतना कैसे थका सकता है कोई। 16 कैमरे, 5 दिन, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हम लोग। वो बात अलग है, यहाँ पर पूरी पाइप में वायरिंग करने की तो बैंड भेज दी हमारी, तो फिर भी ये कैमरा यहाँ लगाना है, यहाँ। तो गाइज, हमारा आखिरी कैमरा लग रहा है भाई, ये अपना आखिरी कैमरा है। फाइनली भाई साहब, कितनी मुश्किल से
इस बार पता नहीं क्या हुआ अपने साथ में। तो गाइज भाई इस तरफ कनेक्शन कर रहे हैं, थोड़ी देर मैं कर रहा था, मैं थक गया तो भाई को दे दिया, और अभी मैं यहाँ नीचे बैठे बैठे कनेक्शन बना रहा हूँ पावर सप्लाई से, तब तक भाई ऊपर पूरे कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद हम लोग पहली बार इस साइड का व्यू देखेंगे। क्यों भाई देखेंगे ना। आइसक्रीम पार्टी, छोटी सी पार्टी के बाद जो अपने दुकान के पास वाले मतलब भैया हैं बड़े भाई साहब, उन्होंने भाई को पार्टी दी तो लगे हाथ मैं भी ले लूँ। उसके बाद अब यहाँ पर आने के बाद कनेक्टर लगाने की बारी, तो ये वाले कनेक्टर लगा रहे हैं। खाली डब्बा था, कनेक्टर यहाँ पर है, भाई कुछ लगा रहे हैं अभी कनेक्टर। ये देखो भाई कनेक्टर लगा रहे हैं और टाइम हो रहा है भाई साहब 8:15 15:15। तो गाइस यार मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मस्त सी चीज, वो है ये। अब आप पूछोगे कि ये मस्त क्यों है, मतलब ये मस्त इसलिए है कि इसके ऊपर आप पता नहीं जिसकी है उसको भी ये फीचर पता है या नहीं, इसके ऊपर आप कितना भी पीछे चले जाओ ये कुर्सी गिरेगी। पीछे कुछ है जो कुर्सी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सकती नहीं है, कभी बैठा नहीं है ना, मुझे भी डर लग रहा है, पकड़ के रखा है। अब क्या होता है इसमें, आप अगर अपना एक पाँव यूँ करोगे तो ये कुर्सी आगे आ चुकी है, जब पाँव वापस फोल्ड कर लोगे तो ये तो पीछे चली जाएगी। देखो डर लगाना मुझे तो लगा भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इतनी खास क्यों, ये इसलिए इतनी खास है, ये कुर्सी जो आप देख रहे हो जो अपने कैमरे के अंदर भी नहीं समा रही है, इसके लिए मुझे वाइड एंगल्स यूज करना पड़ रहा है। इस कुर्सी की खासियत मैं बताता हूँ, हम बैठने वाले हो गए इन कुर्सियों पर, ये टेबलें और ये कुर्सियाँ हमारे लिए बनी हैं, लेकिन ये कुर्सी बनी है एक डॉक्टर के लिए, और क्यों मैं दिखाता हूँ। आइए अगर आप इस चीज़ को गौर से पढ़ सकें, हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था 21, 22, 1, 10,000 मतलब 18,500 रुपया री कुर्सी। ये गाइस देख रहे हो 18,500 रुपये की कुर्सी पे मैं पाँव पर पाँव रख के बैठा हूँ। ओए होए आए हाय बजे कुर्सी, खासियत तो मैंने आपको दिखाई दी है कि गिरोगे नहीं आप, ढीका ढीका मस्त चीज है बॉस, बट 18,500 अपन से नहीं दिए जाएंगे, इसलिए कभी हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना, सर आपकी कुर्सी पे बैठ जाए क्या, बैठने दे तो ठीक है, क्योंकि हर कोई मेरे जितना किस्मत वाला नहीं होता ना। वो देखो मैं कुर्सी पे बैठा वो टेप मांग रहे अठारह हजार पाँच सौ ये 500। ये देखो गाइज हमारे इतने दिनों की मेहनत आ रही है सामने, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे भाई यहाँ पर, ये बच्चों के जो झुंझुने दिख रहे हैं आपको खिलौने इतने सारे यार, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव कनेक्टर है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे लगाया जाए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है हमारी डिस्प्ले देख के। ओहो डॉक्टर साहब आ गए हैं, मुझे ब्लॉग बंद करना पड़ेगा। तो गाइज अभी हम लोग अब जा रहे हैं घर पे, हमने 16 कैमरे टेस्ट कर लिए वहाँ पर, और अभी आप देखो 10:04 हो रहे हैं रात के, और हम लोग सामान भी लेके जा रहे हैं, भाई के पास भी एक टीन का है तो तेल का टीन लेके जा रहे हैं घर पे, और 16 कैमरे हमने चेक कर लिए, उनमें से 8 एकदम डन चल रहे हैं और 8 एकदम घटिया चल रहे हैं इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं, तो कल सुबह नए कैमरे आएंगे, उन 8 कैमरों को रिप्लेस करेंगे और कल अपनी साइड यहाँ से फिनिश कंप्लीट एकदम रफा दफा। तो अभी रेलवे फाटक लगी हुई है, तो ये एक रेलवे फाटक है, बीच वाली लगी हुई है, तीसरी खुली हुई है, तो हम लोग अब बस इंतज़ार कर रहे हैं तो ट्रेन में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कल रात को हम लोग 11:15 यहाँ पर पहुँचे,
और खाना वाना खाया, वो सब किया। उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ करूँ, तो मैं सो गया था रात। सबसे पहले तो मैं जैसे ही आया मैंने जूते खोले और बिना कुछ किए ही सो गया था मैं। बिना खाना खाए, बिना कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह भी नहीं धोया, सो गया था। सब लोगों ने उठाया, फिर खाना खाया, फिर वापस आया। तो ब्लॉग का एंड हुआ नहीं था, इसलिए मैंने कहा एक बार ब्लॉग का एंड कर लिया जाए। तो आज मैं और भाई जाएंगे वहाँ पर वापस और शायद फाइनल करके आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।